नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कन्या छात्रावास की अधीक्षिका के पति की रंगदारी का मामला सामने आया है। दूध मुहे बच्चे के साथ महिला कर्मी को घसीटकर बाहर फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने की कार्यवाही शुरू। कोरिया जिले के जनकपुर में कन्या आश्रम की अधीक्षिका के पति ने गुंडागर्दी दिखाते हुए एक महिला कर्मी को छात्रावास से नवजात बच्चे समेत बाहर फेंक दिया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए दोनों पति पत्नी को निलंबित कर दिया है। मामला बड़वाही कन्या आश्रम का है। कन्या आश्रम के छात्रावास में महिला सफाई कर्मी अपने नवजात बच्चे के साथ रहती थी। पिछले सप्ताह 10 अगस्त को अधीक्षिका सस्मिता सिंह का पति रंगलाल वहां रहने वाले कुछ छात्राओं को लेकर महिला सफाई कर्मी के कमरे में पहुंचा और छात्राओं से कमरे में रखा उसका सारा सामान निकलवा कर बाहर करवा दिया। दूध मुहे बच्चे को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उसे एक छात्रा से घर के बाहर जमीन में रखवा दिया। इसके बाद आरोपी खुद भी कमरे में रखे सामान को फेंकने लगे। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ देर बाद आरोपी इतना तैश में आया कि उसने महिला को बिस्तर से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को घसीटते हुए बाहर ले जाकर पटक दिया और कमरे में ताला लगवा दिया। उसकी गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। बेखौफ आरोपी ने महिला और उसके बच्चे को बारिश के मौसम में घर से बाहर निकालने के बाद अश्लील गालियां देते हुए जूते से मारने का इशारा भी किया। घटना से आहत महिला कर्मी ने आरोपी के खिलाफ जनकपुर थाना में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी रंगलाल फरार है। बता दें कि महिला शिक्षिका इस्तिमा सिंह का पति रंगलाल प्राथमिक शाला करीब माड़ा सराय में पदरस्थ है। इस पूरे मामले में सवाल यह उठता है कि कन्या आश्रम में एक पुरुष कैसे पहुंचा। ऐसे में कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल यह निशान लगा गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।